असलकम अजीज़ तलबा आज साल अव्वल के पैटर्न के सिलसिले में हमारा दूसरा लेक्चर है आज के लेक्चर में हम इस बात पर गुफ्तू करेंगे कि हिस्सा शायरी का जो 25 नंबर का पोर्शन है वो किस तरह से हल किया जा सकता है जी हाँ जैसे कि पहले लेक्चर में आपको बताया गया था कि हमारे टेक्स्ट बुक में से 25 नंबर का हिस्सा आएगा आपको नसर में से और 25 नंबर का हिस्सा आपको आएगा शायरी में से तो आज हम गुफ्तु करेंगे कि टेक्स्ट बुक में से जो हिस्साए शायरी में 25 नंबर की तकसीम है वो सवालों के अतबार से तकसीम किस तरह से की गई है और किस तरह से हम उन सवाल से सही तौर पर अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि शायरी में जो 25 नंबर का हिस्सा होगा वो दरअसल तीन सवालों में तकसीम होगा एक पहला सवाल उसके दो जुज़ होंगे और एक दूसरा सवाल गोया के दो आ, सवाल हैं उसमें से पहले सवाल के दो हिस्से होंगे और एक अलग से सवाल होगा तो पहला सवाल जो आपको शायरी में से तशरी के लिए हिस्सा दिया जाएगा वो दो अज्जा पर मुश्तमिल होगा पहले जुज में पहले हिस्से में आपको नजम के कुछ अशार दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि नजम के इन अशार की तशरी कीजिए तो नजम के अशार की तशरी का दस नंबर का हिस्सा होगा जी हां दस नंबर का इस दस नंबर के हिस्से में दो बातें आपसे पूछी जाएंगी हवाला ए मतन यानी कि नजम का नाम और शायर का नाम क्या है और इसके दो नंबर होंगे बहुत आसान सा मामला है अगर आप अपनी याददाश्त पे भरोसा रखते हैं तो फिर आपके लिए नज़म का नाम या शायर का नाम याद करना याद रखना ये कोई मुश्किल काम नहीं है चुनाचे जब भी आप इस सवाल को हल करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग देंगे तशरी अशार नज़म इस सिलसिले में सबसे पहले आप नज़म का नाम लिखेंगे उसका आपको एक नंबर मिलेगा फिर उससे अगली लाइन में आप शायर का नाम लिखेंगे उसका भी आपको एक नंबर मिलेगा गोया के सिर्फ दो लाइनें लिख कर आप दो नंबर हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आप अगली हेडिंग देंगे जिसमें आप लिखेंगे तशरी अशार और ये हिसाब का आठ नंबर का होगा गोया के नजम का नाम एक नंबर शायर का नाम एक नंबर और आठ नंबर की अशार की तशरी गोया इस तरह से आपका ये हिस्सा जिसमें आप नज़म के शेरों की तशरी करेंगे ये दस नंबर का एक जुज़ बन जाएगा यहां पर कुछ बातें आपको बताता चलूँ जिससे आपकी काफ़ी रहनुमाई हो जाएगी कि इन दस नंबरों में से आप मैक्सिमम नंबर्स किस तरह से हासिल कर सकेंगे नजम के अशार की तशरी और गज़ल के अशार की तशरी ये एक ही सवाल के दो जुज हैं लेकिन यहाँ पर अमूमन तवज्जो ना करने की वजह से भूल जाने की वजह से या बच्चों की लापरवाही की वजह से एक नुकसान बच्चे कर बैठते हैं और वो ये है कि बच्चे सही तौर पर नज़म के अशार की तशरी उस तरह नहीं करते जिस तरह से डिमांड की जाती है और यही कुछ मामला गज़ल के अशार में दरपेश होता है गज़ल के अशार में भी उस अहम चीज़ को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है जिसकी वजह से अच्छे नंबर्स तलबा हासिल कर सकते हैं तो यहाँ पर इस ग़लत फहमी को सही तौर पर आपके सामने बयान करना ज़रूरी है ताकि आप उस ग़लती से बच सकें अमूम बच्चों की एक नफ्सियात है कि आप जहाँ भी अशार देखते हैं आप उसकी तशरी करते हुए उनके नंबर्स लिखना शुरू कर देते हैं मसलन शेर नंबर एक शेर नंबर दो शेर नंबर तीन तो आप हर शेर को अलग लिख के उसकी तशरी करते हैं जरूरी नहीं है कि आपका ये तरीक़ार हर जगह पर वैलिड हो दुरुस्त हो हाँ जब हम गजल के अशार की तशरी करेंगे तो उस सिलसिले में हमें क्या करना है ये आपको आगे चल के बताऊंगा लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे तरह से जहन नशी कर लीजिए कि नज़म के अशार की तश्री हमेशा इकट्ठी और पैराग्राफ्स बनाकर करें नज़म के अशार को कभी भी शेर नंबर एक फिर उसकी तश्रह शेर नंबर दो फिर उसकी तश्रह शेर नंबर तीन फिर उसकी तशरी यह तरीक़ार गलत है ये तरीक़ार गजल के लिए दुरुस्त है लेकिन नज़म के अशार हमेशा इकट्ठे दिए जाते हैं और उनके आठ नंबर शुमार होते हैं चुनाचे आप भी नज़म के शेरों की तशरी हमेशा इकट्ठी करें अलबत् शेरों के हिसाब से आप उनके पैराग्राफ बना सकते हैं ताकि पेपर चेक करने वाला जो है वो चिड़ ना जाए आप एक शेर का एक पैराग्राफ बनाएं उसकी तशरी करें फिर दूसरा पैराग्राफ फिर तीसरा पैराग्राफ लेकिन कहीं भी नज़म की तशरी करते हुए नज़म के शेरों की तशरी करते हुए कहीं भी आप अशार के नंबर हरगिज़ मत दें मैं दोहरा रहा हूं, नज़म के शेरों की तशरी शेरों को नंबर देकर हरगिज़ मत करें इससे आपके नंबर सिर्फ कटेंगे नहीं बल्कि आप अगर तीन शेरों की तशरी बहुत उम्दा भी आपने की है आपने तीन साढ़े तीन सफ़े लिख दिए तशरी आपकी बड़ी जामे है बहुत इतमान बख्श है लेकिन आपसे अगर यह गलती हो गई कि नजम के शेरों को नंबर दे दिया आपने शेर नंबर एक फिर इसकी तशरी शेर नंबर दो की तशरी तीन की तशरी तो वो पूरा आपका लिखा लिखाया क्रॉस कर दिया जाएगा अगर क्रॉस नहीं किया जाएगा तो उस तमाम तश्रह को इतने कम नंबर दिए जाएंगे कि आपके नंबर्स का बहुत ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा है तो इस बात से आपने हतलकान बचना है क्योंकि यह तशरी का मामला है आपको याद होगा जब हिस्सा नसर के पैटर्न पर हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ की तशरी करते हुए आप अपनी तशरी को जानदार भरपूर बनाने के लिए उसको मुदल बनाने के लिए उसमें दलील शामिल करने के लिए अपनी बात की वजाहत करने के लिए उसको उस पैराग्राफ की तशरी को खोल कर बयान करने के लिए आप किसी आयत या हदीस का तर्जमा मुखलिफ़ शा के मुनासबत से अल जो अशार हैं या मशहूर शख्सियात के अकवाल जर्री उनकी कोटेशन उनके अकवाल वो आप तशरी में शामिल कर सकते हैं तो तशरी में इस बात की बेटा गुंजाइश मौजूद होती है कि आप किसी शेर की या किसी पैराग्राफ की तशरी करते हुए आप उसमें इन चीज़ों को अपनी बात को भरपूर बनाने के लिए शामिल कर सकते हैं तो नज़म के शेरों की तशरी करते हुए भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसमें आप अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए आयत या हदीस का तर्जमा, अशार या अकवाल जर्री शामिल कर सकते हैं इससे आपकी तशरी की तवालत भी कुछ बढ़ जाएगी और आपकी बात जानदार हो जाएगी यहाँ पर एक और बात की वजाहत करके फिर हम गज़ल के अशार की तरफ चलेंगे यहाँ पर एक चीज़ की वजाहत मैं कर दूँ क्योंकि आपके पास उर्दू का परचहल करने के लिए तीन घंटे होते हैं इसलिए हमने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि हम हर सवाल को उतना वक्त दें कि जिससे किसी दूसरे सवाल के वक्त का नुकसान ना हो तो यहाँ पर आप जब नज़म के अशार की तश्री करेंगे तो आपके लिए नज़म का नाम शायर का नाम लिखने के बाद तशरी की हेडिंग के अंडर उसके नीचे जब आप पैराग्राफ बनाएंगे तो कम अज़ कम आप नज़म के शेरों की तशरी दो से ढाई सफों में कीजिए दो से ढाई सफों तक की गई नज़म के अशार की तशरी अगर आपका ख़त अच्छा है अगर आप कुछ खत हैं अगर आपकी हैंड रिंग अच्छी है आपको लफ्सों के इस्तेमाल का सलीक़ा है अगर आप हेडिंग्स देने का तरीक़ा जानते हैं तो फिर आपको इसमें से बहुत उम्दा नंबर मिल सकते हैं तो इस बात को मद्दनजर रखिए कि आपने अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा रखना है नजम के शेरों की तशरी नंबर देकर हरगिज़ मत कीजिए बल्कि पैराग्राफ्स की शक्ल में करें ढाई सफ़ात पर मुश्तमिल आपकी तशरी हो और आप इसमें एक्स्ट्रा इन्ग्रीडियंट के तौर पर आयत हदीस का तर्जमा अशार अकवाले जर्री शामिल कर सकते हैं इसी सवाल का दूसरा जुज वो भी दस नंबर पर मुश्तम होगा लेकिन इसमें आपने अपने सिलेबस में मौजूद गज़लों के अशार की तश्री करनी होगी आपको एक ही शार के तीन शेर दिए जाएंगे एक ही शार और उसके तीन शेर और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये अशार जो गज़ल से लिए गए हैं आप इसके शायर का नाम बताइए और इन अशार की तशरी कीजिए इस तरह से अगर हम 10 नंबर्स की तकसीम देखें तो एक नंबर आपको शायर के नाम का मिलेगा जाहिर है शायर का नाम आप एक फ़तर में लिखेंगे ग़ल का कोई उनवान नहीं होता कोई नंबर नहीं होता इसलिए यहाँ पर आपसे सिर्फ शायर का नाम पूछा जाएगा और उसका एक नंबर आपको मिलेगा उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीन अशार होंगे एक ही गज़ल के एक ही शायर के तो तीन शेरों की आपको तशरी करना पड़ेगी गोया तीन नंबर फी शेर के हिसाब से तीन शेरों की तशरी नौ नंबर जी तीन नंबर फी शेर और तीन शेर तीन को हम तीन से अगर जरब देते हैं या तीन जमा तीन जमा तीन करते हैं तो नौ नंबर बन जाएंगे अशार की तशरी नौ नंबर की शायर का नाम एक नंबर तो इस तरह से गजल के अशार के दस नंबर आपके पूरे होंगे अब जो बात पहले हम आ, कर रहे थे कि नजम के शेरों की तशरी करते हुए आपने शेरों का नंबर नहीं लिखना बल्कि इकट्ठी तशरी करनी है पैराग्राफ्स की शक्ल में गज़ल के अशार की तशरी करते हुए आपका तरीक़ार थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा गज़ल का हर शेर क्योंकि एक अलग मौजू रखता है एक अलग इकाई के तौर पर जाना और तस्लीम किया जाता है हर शेर का टॉपिक अलग होगा इसलिए गज़ल के शेरों की तशरी करते हुए एक बात को मद्दनजर रखिए कि आपने तमाम शेरों की तशरी इकट्ठी नहीं करनी बल्कि गज़ल के शेरों की तशरी आपने हर शेर को नंबर देकर करनी है मसलन शेर नंबर एक आप हेडिंग देंगे उसके नीचे शेर लिखेंगे फिर आप हेडिंग देंगे तशरी और उसकी तशरी कर देंगे इसी तरह से फिर आगे चलकर आप लिखेंगे शेर नंबर दो नीचे शेर लिखेंगे फिर हेडिंग देंगे तशरी और उसकी तश्रह कर देंगे इसी तरह से शेर नंबर तीन लिखें शेर लिखिए आगे हेडिंग दें तशरी और उसकी तशरी कर दें तो यहां पर दोहरा दूं कि गज़ल के हर शेर की तशरी आप अलग करेंगे नजम में इकट्ठी पैराग्राफ बनाकर लेकिन लेकिन गजल में हर शेर की तशरी अलग अलग आप करेंगे क्योंकि हर शेर के अलग नंबर बताए गए हैं तो हर शेर की तशरी को तीन नंबर तस्लीम किए जाते हैं हर शेर के अलग अलग तशरी करेंगे तो तीन जमा तीन जमा तीन वाजे हो जाएगा अब यहां पर यह बात रही कि ग़ज़ल के, गजल के, अशार के कितनी होनी चाहिए तो कोशिश कीजिए कि एक की तम अज कम एक सफे पर मुश्तम हो तीन शेर हैं तो इस तरह से शायर का नाम लिखने के अलावा वो तो वैसे भी एक लाइन की जगह उसमें लगेगी एक शेर की तशरी आपकी एक सफे पर इस तरह से तीन अशार की तशरी तीन सफ़ों पर मुश्तमल होगी आप हर शेर की तशरी में दो तीन लाइन्स का इजाफा कर सकते हैं उसमें कोई हर्च नहीं है तो एक चीज़ जहन में रखिए कि आपकी एक शेर की तशरी एक सफ़े से अगर बढ़ती है तो चंद सत्रों पर मुश्तमिल हो गोया गई एक सवा सफ़ा इस तरह से आपका यह मुकम्मल सवाल जो है ये तीन से साढ़े तीन सफ़े तक होना चाहिए क्योंकि हमने सारा वक्त सारी तो आ, सिर्फ नज़म और ग़ज़ल के अशार पर शर्फ नहीं करनी हमने बाकी सवाल को भी पूरा वक्त देना ताकि उनमें से भी आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें क्योंकि यह तशरी का मामला है इसलिए पैराग्राफ की तशरी की तरह नज़म के शेरों की तशरीह की तरह यहाँ भी आप आयत या हदीस का तर्जुमा अशार अकवाल जरिए वग़ैरह शामिल कर सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एक शेर में एक चीज़ शामिल करें मसला पहला शेर है उसमें किसी आयत या हदीस का हवाला दे दें दूसरे शेर की तशरी करते हुए उसमें हवाले के तौर पर एक या दो शेर लिख दीजिए तीसरे शेर की तशरी करते हुए आप एक आध अकवाल जर्रीन लिख दें तो इस तरह से पेपर चेक करने वाले को आपकी इलमियत का आपकी तैयारी का आपके जहन की वसत का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर चेक करने वाले को तीनों फ्लेवर मिल जाएंगे अगर आप हर शेर में ही तमाम चीज़ें शामिल कर जाएंगे तो फिर तश्रह कम होती चली जाएगी और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये बढ़ती चली जाएंगी ये आपकी तशरी को कमज़ोर कर देंगी इसलिए इनको आटे में नमक के बराबर ही रखें कि एक शेर में आयत हदीस का तर्जुमा किसी में कोई हवाले का शेर और तीसरे शेर में अकवाल जर्री में से कोई एक कॉल यही चीज़ आप यही फार्मूला आप नज़म के अशार के तश्रह में इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ में यानी एक शेर की तशरीह में कोई एक चीज़ दूसरे में दूसरी तीसरे में तीसरी अलबतः जब आप पैराग्राफ़ की तशरी करेंगे तो वो क्योंकि दो ढाई सफ़ात पर काम चला जाता है इसलिए उसमें आपके पास गुंजाइश है कि आप एक आयत का तर्जमा शामिल कीजिए एक शेर शामिल करें एक अकवाल जर्री में से कोई कॉल शामिल कर दीजिए तो आपकी पैराग्राफ की तशरी जो है वो बहुत भरपूर हो जाएगी अजीज़ तलबा नज़्म के शेरों की तशरी और गज़ल के शेरों की तशरी ये एक ही सवाल में दो जुज़ होंगे तो दस और दस बीस नंबर आपके इस तरह से पूरे होंगे उसके बाद आपको एक छोटा सा सवाल दिया जाएगा जो होगा किसी भी नजम का मरकज ख्याल या उसका खुलासा ये पांच नंबर का सवाल होगा पहले इस सवाल का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ था पहले इसमें नजम का नाम दिया जाता था और आपसे पूछा जाता था कि इसका शायर कौन है ये बताइए यहां पर यह बात भी जहन में रखिए जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में कहा था कि कहानी लिखने वाला अफसाना सफ़रनामा लिखने वाला मजमून लिखने वाला मुसन्फ़ होगा इस तरह से जो नज़म लिखे लिखेगा वो शायर होगा जो गज़ल लिखेगा वो शायर होगा शायरी करने वाला शायर होगा तो जिस तरह आपने इस बात में एहतियात रखी कि पैराग्राफ की तशरी में आप लिखेंगे मुसन्फ़ इसी तरह से नज़म के शेरों की तशरी करते हुए आप लिखेंगे शायर का नाम गज़ल की तशरी करते हुए भी आप लिखेंगे शायर का नाम वहाँ पर हरगिज़ लिख मत लिखिए नंबर कट जाएगा आपका एक और आप जानते हैं कि एक एक नंबर जो है वो कीमती हुआ करता है कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है तो वो बीस नंबर एहतियात का तकाजा करते हैं और ये सवाल ये नस्बता आसान है और ये कम वक्त में हो जाता है नजम का मरकज़ी ख्याल या खुलासा पाँच नंबर यहाँ पर आ, एक चीज़ को मद्दनज़र रखिए कि आप अपने सिलेबस में जो नजमें पढ़ेंगे वो बंद की शक्ल में हो वो नज़म अशार की शक्ल में हो तरजीह बंद हो तरकीब बंद हो नज़म किसी भी शक्ल में हो आप जब किसी नज़म का मरकज़ी ख्याल या खुलासा लिखें तो एक चीज़ जहन में रखें कि आपने पूरी नजम को टू द पॉइंट चंद लाइंस में समेटना है पूरी नज़म को चंद लाइनों में इजाफी और एक्स्ट्रा बातों को एक तरफ कर दें जो उसमें असल मकसद शायर का है शायर असल में जो कहना चाहता है उसको आपने चंद लाइनों में समेटना है हर जगह पर तफसील मुनासिब नहीं होती हर सवाल का अलग तकाजा है तो आप पूरी नजम को चंद लाइनों में समेटते हैं तो वो किसी भी नजम का मरकजी ख्याल या खुलासा कहलाता है वैसे तो पेपर बनाने वाला यह भी कह सकता है कि नजम का मरकजी ख्याल लिखें या वो कह सकता है कि नजम का खुलासा लिखें लेकिन ये नहीं मालूम कि वो नज़म का मरकज़ी ख्याल पूछेगा पेपर बनाने वाला या खुलासा पूछेगा इसलिए आपको दोनों चीज़ों का इदराक होना चाहिए ताकि वो कुछ भी पूछ ले आप उसको हल कर पाए तो अगर आपको मरकजी ख्याल लिखने का कहा जाए तो कोशिश करें कि वो पाँच लाइनों से ज्यादा ना हो पाँच लाइनों से ज्यादा ना हो टू दी प्वाइंट बात करें नज़म में जो कहा गया है जो शायर कहना चाहता है उसको आप पाँच लाइन्स में समेट दें और अगर आपको खुलासा कहा जाए तो इसको डबल कर लें खुलासा मरकजी ख्याल से थोड़ा सा तफसी में होता है अगर मरकजी ख्याल हम पांच लाइनों का लिखेंगे तो इसको डबल करेंगे दस लाइनें एक सफा तकरीबन बीस या बाईस लाइनों पर मुश्तम होता है चुनाचे मरकजी ख्याल अगर पांच लाइनों का होगा इसको डबल करेंगे तो वो खुलासा बन जाएगा यानी दस लाइनें दस लाइनों का मतलब है आधा सफा तो मरकजी ख्याल लिखना हो तो पांच लाइनों से ज़्यादा मत लिखें अगर खुलासा लिखना हो तो उसमें थोड़ी तफसील की गुंजाइश है उसे आप दस लाइनों में या आधे सफ़े तक लिख सकते हैं लेकिन दोनों चीज़ों में एक बात जहन में रखें कि वह मरकज़ी ख्याल या खुलासा लिखते हुए कोई किसी किस्म की इजाफी बात या हवाला मत दी उसमें लिखें वरना आपके नंबर कटना शुरू हो जाएंगे उम्मीद है गज़ल के अशार की तशरीह का तरीक़ा नज़म के अशार की तशरी का तरीक़ा और नज़म का मरकज़ी ख्याल ये पच्चीस नंबर हल करना और उसमें अच्छे नंबर लेने का तरीका आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मेरी दुआएं आपके साथ हैं अगले लेक्चर के साथ, साथ दोबारा हाज़िर होंगे काशिफ शहजाद को इजाज़त दीजिए अल्लाह हामीनासर